गुड मॉर्निंग गर्ल्स, ई लेक्चर की कड़ी में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण जो बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड के जितने भी हर्बेरिया हैं वो सब इसी सिस्टम के क्लासिफिकेशन के इसी सिस्टम पे आधारित है। यह क्लासिफिकेशन दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, जॉर्ज बेंथम, जिनका कार्यकाल रहा 1800 से 1884 के मध्य, और जोसेफ डाल्टन हुकर, जिनका कार्यकाल था 1817 से 1911 में। ये दोनों साइंटिस्ट इंग्लिश बोटैनिस्ट थे जिन्होंने एक साथ रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू लंदन में कार्य किया। इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया, वर्गीकरण की जो पद्धति दी गई वो लेटिन भाषा में जेनेरा प्लैनेटेरम नामक बुक में पब्लिश की गई। यह पुस्तक 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई। जुलाई 1862 में इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ और अप्रैल 1883 में इसका थर्ड वॉल्यूम प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में बीजपत्री पौधों के, यानी कि कॉटिलेडन प्लांट्स जो हैं, उनके लगभग सभी वंशों का वर्णन किया गया है और उन्हें एक निश्चित पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बेसिकली यह पद्धति पूर्व में प्रकाशित APD कैंडोले 1806 टू 1893, जिनका कार्यकाल था, उसकी पद्धति पर आधारित है। लेकिन यह जो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये कैंडोले की पद्धति से थोड़ा अधिक संशोधित था। यह पादप जातियों की स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता, अर्थात कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीशीज, तथा आकारिकीय संबंधों यानी मॉर्फोलॉजिकल रिलेशंस पर आधारित है। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है, जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया, यह क्लासिफिकेशन पादप जातियों की स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीशीज, तथा आकारिकीय संबंधों मॉर्फोलॉजिकल रिलेशंस पर आधारित है। यह नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति है। डी कैंडोले ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, डी कैंडोले ने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोटिलेडन्स समूह में ही रखा था, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में बीजपत्री पौधों यानी स्पर्मेटोफाइटा फेनरोगेम्स को तीन भागों में विभाजित किया। ये भाग थे, फेनरोगेम्स सीड प्लांट बियरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडनी। ये देखिए, ये फेनरोगेम्स हैं। फेनरोगेम्स यानी कि ऐसे पादप जिनमें बीज पाए जाते हैं। इन्हें 3 ग्रुप्स में विभाजित किया गया, द्विबीजपत्री समूह, अनावृत बीजी और एक बीजपत्री समूह, यानी कि डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी मतलब, ये देखिए, ये करेक्टर्स हैं डाइकोटिलिडनी के, ऐसे प्लांट्स जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कॉटिलिडन्स, यू स्टील प्रेजेंट होती है। यू स्टील का मतलब ये होता है, ये देखिए, यहाँ पर ये जाइलम है, ये बीच में कैम्बियम है और ये फ्लोएम है, यानी कि एक कोलेट्रल बंडल के रूप में स्टील पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड यू स्टील। वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप का होता है, ओपन का मतलब अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो
वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप का कहलाता है। लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी कि जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस टाइप के होते हैं। जिम्नोस्पर्म हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अनावृत बीजी पादप होते हैं ये, उसके बारे में हमें यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में डिस्कस नहीं करना है। मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स जो होते हैं इनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, कोटिलिडन वन होती है, वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड टाइप के होते हैं, यानी कि कैम्बियम अनुपस्थित होता है, और वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड टाइप के होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और फ्लावर्स जो हैं वो ट्राइमेरस टाइप के होते हैं। तो ये फेनरोगेम्स का डिवीज़न है थ्री पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हम अब हम क्या करेंगे, अपने क्लासिफिकेशन में हम एक एक ग्रुप को लेकर चलेंगे। पहले हम डाइकोटिलिडनी लेंगे, उसके बाद हम मोनोकोटिलिडनी लेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको आउटलाइन बताऊंगी, फिर हम इसके पश्चात अपनी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आगे लेक्चर्स आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको हर सीरीज का हर क्लास का आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। नाउ डाइकोटिलिडनी को आगे तीन वर्गों में बांटा गया, थ्री क्लासेस में बांटा गया। एक है पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइटी। इन तीनों क्लासेस को फिर नेक्स्ट अलग अलग सीरीज में बांटा गया। पॉलीपेटली की थ्री सीरीज थी, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी एंड कलाइसी फ्लोरी। इसी प्रकार से गैमोपेटली को तीन सीरीज में बांटा गया, इन्फीरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी। इसी तरह से मोनोक्लेमाइडी जिसमें आठ सीरीज प्रेजेंट थी, इन्हें इस तरह से बांटा गया, कर्वेम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफनेल्स, क्लमाइडोस्पोरी एंड यूनिसेक्सुअल्स। तो ये सब डाइकोटिलिडनी में आते हैं, और मोनोकोटिलिडन्स को आगे सेवन सीरीज के अंदर बांटा गया, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलाइसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। तो ये सेवन जो है ये मोनोकोटिलिडन्स की सीरीज है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक एक ग्रुप को लेंगे और प्रत्येक ग्रुप के अंदर आगे जो डिवाइडेशंस हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में जो फेनरोगेम्स हैं, जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, उनको थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, और फिर आगे इन ग्रुप्स को तीन तीन डाइकोटिलिडन्स को आगे चल के फिर तीन क्लासेस के अंदर बांटा गया, पॉलीपेटली, कैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइटी, और फिर प्रत्येक क्लास को फिर आगे सीरीज में डिवाइड किया गया। पॉलीपेटली में थ्री सीरीज आ गई, कैमोपेटली में थ्री सीरीज आ गई, मोनोक्लेमाइटी में एट सीरीज आ गई। इसी प्रकार से मोनोकोटिलिडन्स को फिर सेवन सीरीज के अंदर बांटा गया, और इन सेवन सीरीज का इस प्रकार से ये नेम है। पूरी प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म्स जो हैं उन्हें, यानी कि एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्हें इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो इसमें हम नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रत्येक ग्रुप को आगे उसका डिवाइडेशन विद करेक्टर्स किस प्रकार से होता है ये आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर द टुडे।